हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जेके नेशनल न्यूज मुंबई। जेके नेशनल न्यूज मुंबई में आपका स्वागत है। मैं आप सबकी फ्रेंड महविश। आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। आपको बता दें, महाराष्ट्र मुंबई मलाड मालवनी में घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। या लोगों के मन के अंदर प्रशासन का डर नहीं है, या तो गलत एक्टिविटी के लोग प्रशासन को खुली चुनौती देकर आए दिन वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जिस प्रकार से अनेक घटनाएं हो रही है, ऐसे ही घटना मलाड मालवनी में फिर देखने को मिली है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के कार्यालय पर कुछ प्रोग्राम था, जहाँ पर कुछ अन्य लोगों ने वहाँ पर हमला किए और तोड़फोड़ किए, जिसमें इरफान नामक व्यक्ति को काफ़ी चोट लगी और कई लोग घायल बताए गए। आइए देखते हैं घटनाक्रम का पूरा प्रशासन के साथ का ये वीडियो। मालवनी में घटना हुई, उसके बारे में आप कुछ जानकारी है तो आप दीजिए हमको, हमारे चैनल के माध्यम से। ये कानूनी लड़ाई थी। मास्क तोड़ने चाहिए सर, ये जाके.com और मेरा भांजा इरफान के बीच ये कानूनी लड़ाई थी। आज इसके यहाँ पे एक प्रोग्राम था, जो बर्थडे प्रोग्राम था, उस बर्थडे प्रोग्राम को लेकर इन लोगों ने शेखर बालोरा साहब के पास पहले मीटिंग किए, या सीनियर साहब के पास 6:30 बजे, उनका फोटेज आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद भी उन लोगों ने वहाँ पे हमला किया। किस बात की मीटिंग हुई, मतलब आप कहना चाहते हैं किस बारे में मीटिंग हुई पता नहीं। पहले यहाँ मीटिंग हुई किसकी, किसके जाकिर, कबीर, सादिक और दो लोगों ने यहाँ पर मीटिंग करने के बाद में उन लोगों ने वहाँ पे हमला किया। किसके ऊपर किया, नाम? मेरा भांजे इरफान के। अच्छा। और उसके दोस्त लोग जो बैठे हुए थे उन लोगों के। ये एक मर्डर प्लानिंग था, मतलब आपको ऐसा लगता है कि वो लोग मर्डर करने आए? मर्डर प्लानिंग था ये। अच्छा, कौन कौन लोग थे कुछ बता सकते हैं? कबीर था, साजिद था और जाकिर था, और 3-4, 8-10 लड़के और उनके साथ में। इनके ऊपर कोई बड़ी हस्ती का हाथ है कुछ इस तरह के? यहाँ के बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, मालवनी चौक की खुद ऑफिसरों का हाथ है उसके ऊपर, क्योंकि वो ट्रैप करवाता उसके डर के मारे उसका सपोर्ट करते। मालवनी के किस ऑफिसर का हाथ है कुछ बता सकते हैं? मालवनी के किस ऑफिसर का हाथ है? या मालवनी का हर ऑफिसर उससे डर के काम करता है, क्योंकि वो ट्रैप करवाता है डर के मारे। मतलब कुछ ऑफिसर हमारे अच्छे भी है जो डरते नहीं, जो अच्छी तरह काम करते। मतलब आपका कहना है कि आने वाले समय में हमारे भांजे को नुकसानदायक नुकसान बोले तो उसके साथ में कुछ भी हो सकता है, उसका जान भी जा सकती है। वो लोग जब मारने के लिए आए थे तो उनके पास क्या क्या हथियार थे कुछ बता? उनके पास हॉकी जैसा था और खाना बनाने का कप्पी रहता, तेज धारदार वो था, और कुछ सामान थे, औजार उन लोग के पास, जिसमें से एक लड़का ने धक्का मारा, सोनू नाम का लड़का, उसका वहाँ पे मर्डर हो सकता था। अभी तक जो कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से, पुलिस बहुत अच्छा, हमारे जो DCP साहब है विशाल ठाकुर साहब, उन्होंने बहुत अच्छा कानूनी कार्रवाई कर रहे, और रीजन साहब वो भी बहुत अच्छा कानूनी कार्रवाई कर रहे। मैं चाहता हूँ DCP साहब और रीजन साहब, AR रजा ने जो PI है आकर, वो इस केस को हैंडल करें, और बाकी ऑफिसरों पर हमें भरोसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्रशासन जो है कि अपना पीछे पॉलिटिशियनों का हाथ है, और जब से यहाँ पर सीनियर साहब आए उसकी धांधली ज़्यादा हो गई है। किसी पे भी खोटा केस बनाना, कुछ भी करना, धांधली करना, ये सब काम उसका होता है। इसके पहले की बात करता 3 नंबर में, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद में किसी भी पोस्ट को रेप केस सब बनता है। इसके पहले के कुछ आपसी विवाद थे क्या? ऐसा आपसी विवाद ये फेसबुक को लेकर था, क्या मैटर? बाद में फिर इसने इन लोगों ने प्लानिंग करके मेरे भांजों पे हमला किए, कुछ लेडीज को खड़ा करके खोटा केस बनाए, यहाँ तक का वो केस में मुझे पे भी खोटा केस लेने लगे थे। लेकिन मैं उस टाइम पे सीनियर साहब के कैबिन में काम कर रहा था, तो ACP सीनियर साहब कालापार साहब ने कि बोले ये लड़का तो इधर था, तुम लोग इसके ऊपर कैसा गलत नाम ले रहे, इसके ऊपर क्यों केस बना रहे? तो उन औरतों को उन लोगों ने साहब लोगों ने डांट के भेजे। कहीं आपका ये कहना है कि जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो इस तरीके से मतलब गलत एक्टिविटी का साथ दे रहे हैं? उसका साथ दे रही, और कुछ ऑफिसर हमारे अच्छे हैं जो उसका साथ नहीं देते, हद की लड़ाई लड़ते। आपका लास्ट का क्या होगा, मतलब कि प्रशासन से उम्मीद क्या चाहते हैं? मुझे तो विशाल ठाकुर साहब जो हमारे DCP है, ये बहुत बेहतरीन ऑफिसर है, ये हमेशा हक की लड़ाई लड़ने वालों का सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे जितना मालूमी में अमनी पदार खत्म हुआ है, ये विशाल DCP विशाल ठाकुर साहब के वजह से हुआ है, जब से ये पूरा अमनी पदार का खत्म हुआ है, वरना उससे पहले अमनी पदार यहाँ जोरों में था। ये हमारे जो DCP है, ये एक हीरे की तरह है, जो पूरे मालवनी को इतना अच्छी तरह से संभालना चाहते, लेकिन कुछ हमारे ऑफिसर है जो गलत करते,
इरफान शेख एक पत्रकार भी हैं और इस वक्त एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, हाँ। तो आखिरकार उनकी ये हमला क्या दर्शाता है? जो भी असलम भाई के खिलाफ जो भी कोई दूसरा पार्टी में जाएगा जाके उस पर हमला करवाता है। हालांकि मैं खुद असलम के लिए काम करता हूँ, मैं भी असलम का कार्यकर्ता हूँ। कोई भी दूसरी पार्टी में जाएगा जाके उस पर हमला करवाता है, लेकिन ये बात असलम भाई उसको नहीं बोलता, ये करता है जानबूझ के। तो कहीं ना कहीं असलम भाई बढ़ावा दे रहे हैं जाकिर? हो सकता है इस वक्त तो बड़े पद पे आए तो उसको सपोर्ट कर रहे होंगे, जब भी वो इतना कर रहा है ना, इससे पहले तो नहीं करता था वो इतना। इरफान शेख को कुछ ज़्यादा चोटें आई हैं कुछ इस तरीके? अभी तक का तो मैंने उससे मिला नहीं, क्योंकि डीसीपी साहब रिजन साहब के साथ में मैं था, अभी तक जाके अंदर मिला नहीं, क्योंकि उसकी औरत को भी मारा गया, उसकी औरत वहाँ पे बचाव का काम करी, कुछ मेरे दोस्त के भांजे थे जिन पे हमला हुआ था वो भाग गए हथियारें देखकर, क्योंकि कोई भी इंसान होगा हथियार देख के भागेगा। कितने लोग इंजर्ड हुए हैं अभी तक आपको जानकारी के मुताबिक? 3-4 जन है कुछ, लेडीज औरत बच्चे? लेडीज है हमारे घर की। कितनी लेडीज हैं? 2 या 3 लेडीज है। इरफान शेख की औरत पे भी हमला हुआ है? हमला हुआ, उसी ने बचाई अपने आदमी को, वो नहीं होता तो मर्डर हो जाता। जो ऑफिस में तोड़फोड़ हुई उसका क्या मायने है? यही कि जो आज जो उद्घाटन था, जो पत्रकार कोई बहुत बड़ा पत्रकार आने वाला था उसका बर्थडे था, वो वहाँ पे प्रोग्राम अमन और शांति से प्रोग्राम हो रहा होना आता, वो पार्टी उसको ख़त्म करने के लिए, प्रोग्राम ना होने के लिए ये बैठकर चौकी में उसके प्लानिंग हुआ, उसके बाद में उन लोगों ने वहाँ पे। कितनी देर बाद जो यहाँ प्लानिंग हुई आपके कहने के बाद में वहाँ पर? ओके। उसका कोटेज स्टेशन हाउस में उसका कोटेज मिलेगा, सीनियर की केबिन में उसका कोटेज मिलेगा। और ये मैं मांग करता हूँ डीसीपी सर ठाकुर साहब से और यहाँ के रीजन साहब से कि अच्छी से अच्छी कार्रवाई की जाए। आप पे भरोसा है मुझे, हमारे डीसीपी साहब से। थैंक यू, धन्यवाद। 2 मिनट सर। सर ये जो इस वक्त है ये प्रहार जनशक्ति पक्ष का कार्यालय का ओपनिंग था, यहाँ पर जो महाराष्ट्र राज्य मंत्री आने वाले थे बच्चू राव गढ़ू, यहाँ पर इरफान कादरी जो मलाड तालुका के अध्यक्ष हैं उनके कार्यालय की ओपनिंग थी, यहाँ पर तोड़फोड़ हुई, तो उसके बारे में क्या जानकारी? एक आपसी झगड़े में यहाँ पे ये हुआ है, झगड़ा हुआ है, इसमें कुछ अभी तक तो देखने में तो कोई पक्ष का कारण छोड़ने का कोई इंटेंशन नहीं दिख रहा है, झगड़ा है, अब उसके ऊपर लीगल एक्शन ले रहे हैं। सर अभी तक कोई जानकारी नहीं, कितने लोग थे, कितने आरोपी? लीगल एक्शन ले रहे हैं सर, लीगल एक्शन। आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा।